इसी तरीके से जनाब रफी खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्या बादहू। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को उसकी बंदों की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसी के साथ साथ हम अलखिदमा ग्रुप के वो मेंबर जो 2-2.5 साल से हमारे मेंबर बने हुए हैं, अलहमदिल्ला मुस्तकिल हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, हम उन तमाम का भी तहदिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उनको इसका जजाय खैर अता फरमाए। और ख़ास तौर से हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, ताकि जिनकी फिक्रों पर और जिनकी मेहनतों से और जिनकी मदद से अलहमदिल्ला आपके सामने ये अलखिदमा मैटरनिटी होम खड़ा है, जिसमें ओवरवाइज इस्लामिक वॉइसेस और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सीट्स के इन हजरात का बड़ा ताउन रहा है। हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार है कि इनकी कोशिशों से और इनकी मेहनतों से अल्लाह ने अलखिदमा मैटरनिटी इसको खड़ा फरमाया। और ख़ास तौर से हम साथ में आने वाले उलमा इकराम और इन सियासी रहनुमाओं का और उन तमाम का जिन लोगों ने हमारी इस मजलिस में आकर हमको हम हिम्मत अफजाई की और हमारा हौसला बढ़ाया, उन तमाम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के सामने ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप हजरात के सामने अलखिदमा ग्रुप किस बुनियाद पर शुरू हुआ, उसके क्या मकासिद थे, तो मुख्तर अंदाज से रखना है इंशाल्लाह। हमारे मेहमान उसके सामने फिर उनकी साथ बात होगी इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ हो जाएंगी इंशाल्लाह, कि काफ़ी वक्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमा ग्रुप की बुनियाद 2019 में सेप्टेम्बर में हुई, जिसके अंदर अनाज बैंक, अपना दस्तरखान और कपड़ा बैंक शुरू किया गया। असल वजह उसकी ये थी इस बुनियाद को डालने की कि उस वक्त एक वाकया हमारे सामने पेश आया था, क्या कि एक बस्ती के अंदर हमारे बुजुर्ग थे कि जो कुछ खिलौने तकसीम करते थे, और उनके घर का यह हाल था कि जब हमने उनसे तहकीक किया तो वो सुबह घर से निकलते थे तो घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता था, और वो एक दुकान से एक नान रोटी लेते थे, आधी रोटी सुबह में वो एक मिठाई की दुकान पे से जो गुलाब जामुन का जो मीठा शिरवा होता है
उसमें डुबा के खाते थे और शाम के अंदर वो आधी रोटी उसमें डुबा कर खाते थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते, तो उन्होंने उनकी थोड़ी सी कारगुजारी दी जो बात मेरे दिल पे लगी, और वहां से हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से उन जरूरतमंदों की कुछ ना कुछ जरूरत पूरी हो। एक तो ये होता है कि हमारा एक दूसरे से आपस में मुजाकरा करना, मशवरा करना और बातें करके उसको भूल जाना, लेकिन हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाए। क्योंकि हम बुजुर्ग से जब पूछे कि भाई आप क्या बात है, आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उन्होंने बताया कि मेरी अहिल्या का इंतकाल हो गया और मेरे दो बच्चे हैं जो दोनों भी जहनी तवाजुन खो चुके हैं, वो उनका जहनी तवाजुन काम नहीं करता, और मेरी एक बच्ची है जिसकी शादी हो गई, और एक मेरी जवान बेटी है। मेरा जो बेटा है वो रोज महल्ले का पूरा कचरा लेके घर के अंदर आता, और मेरी जवान बेटी घर के अंदर रहती, वो भी पागल, मेरे घर के अंदर कोई खाना बनाने वाला नहीं है। अब मेरे को इन मेरे बच्चों को पालना है, इसके लिए मैं ये काम करता और जिसके जरिए से मैं इनके पैसे बचाकर इनके रोजी रोटी का इंतजाम करता। तो उस वक्त हमने ये सोचे कि भाई लोग ऐसे कितने हालात में है, कारगुजारी हमारे सामने आई, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मजबूर है, जिनके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं है। हम इतने बड़े शहर के अंदर रहते, लेकिन हमारे जहनों में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया और बहुत लोगों के पास चढ़ा, कोई जरूरत नहीं है देने। लेकिन आप एक बात याद रखे कि जो खुददार आदमी रहता वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो किसी से मांगता नहीं, और जिसको मांगना है या लेना है वो किसी से लेके भी खा पी के जिंदगी गुजार लेता, लेकिन खुददार किसी से नहीं मांगता। हमारा ये मकसद था ऐसे लोगों के लिए कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि वो जो लोग इज्जत के साथ आए, ताकि इसकी उनको भूख लगी तो ये बाजू वालों से जाके मांगेंगे नहीं खाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं खाना दो, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। तो इसलिए हमने सोचे कि हम अपना दस्तरखान के तहत एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखे कि लोग यहाँ पर खाना ला कर रखे और यहाँ से खाना लेकर जाए, और हमने उसकी बुनियाद 2019 के अंदर डाली, और सातों साथ जिनको कपड़े की जरूरत है उनके लिए कपड़ों का कुछ इंतजाम हो जाए उसके लिए हमने कोशिश किया, और साथ में ऐसे हमने 21-23 फैमिली ऐसे ढूंढ कर निकाले कि जो किसी से भीख नहीं मांगते थे, किसी से सवाल नहीं करते थे, हमने उनको ढूंढा और बाजाबता उनकी सीवी की, उनके आजू बाजू वालों से, उनके रिश्तेदारों से हमने ये तहकीक किए कि किसी से भीख तो नहीं मांगते, किसी से मांगते तो नहीं है। तो हमने उनसे पूछ कर क्या कहते हैं, किसी से मांगते नहीं लेकिन दो वक्त खाने को भी तरस है, जिसमें बेवा है उसमें ऐसी फैमिली हमको मिली। एक फैमिली तो ऐसी थी कि जो दोनों मियां बीवी नाबीना है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके घर में कोई पका के खिलाने वाला भी नहीं। तो हमने पूछा आपका गुजारा कैसे चलता, कहा कि हम थोड़ा सा, तो मैंने उनसे पूछा तो वो बेचारा अल्लाह का बंदा नाबीना है लेकिन किसी से मांगता नहीं, एक हाथ गाड़ी के ऊपर अपनी बच्ची को साथ में लेता, बच्ची मेरे पैसे देखती और मैं नारियल वगैरह काट के अपना गुजारा करता, और वो पैसे लेके मैं घर पे जाता, मेरी साली खाना बना कर दी। एक बुजुर्ग से हम मुलाकात हुई तो पता चला कि इनकी औलादों ने इनको छोड़ दिया और वो घर के अंदर रहते हैं, और मैं शहर की बात कर रहा हूं आप, लेकिन उनको दो वक्त का खाना भी मयसर नहीं है, उनके लिए अनाज का भी इंतजाम नहीं। हमने उनको ढूंढा, कुछ फैमिली हमको ऐसी मिली कि घर अच्छा खासा था, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर का इंतकाल होने के बाद ये हुआ कि घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक जवान बेटी है और इनकी बीवी। अब खाना है तो बेटी को काम पे भेजना पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो बीवी को काम पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो हमने ऐसी फैमिलियों को ढूंढा और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से आप हजरात के ताउन से अलखिदमा ग्रुप मुस्तकिल उनको अनाज किट पहुंचाने का काम कर रहा है, और ये अल्लाह के फजल से हो रहा, हमारी कोई इस्तेआत नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी को खिला सके, हम तो खाने में अल्लाह के मोहताज है, लेकिन अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों का इंतजाम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल ये सिलसिला चला, उसके साथ हमने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे लोग जो जरूरतमंद है, कपड़े इनके पास इंतजाम नहीं है, ताकि उन तक कपड़े पहुंचाए जाए, तो हमने पुराने कपड़े लेना शुरू किए, तो लोग आते अपने कपड़े लेते, अपनी जरूरतें पूरी करते। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने ये किया कि कपड़े वो ले रहे हमसे और उसको बेच के बर्तन खरीद ले, तो हमने पुराने कपड़े को बंद कर दिया। उसके बाद हमने कोविड के अंदर खास तौर से ऐसे हालात को अपनी आंखों से देखा कि लोग परेशान है और कोई उनको बाजू वाला खाना देने के लिए तैयार नहीं है। जब हम रात को शाम के टाइम पे खाना बांटने के लिए खड़े रहते थे तो जिस्म के ऊपर कपकपी आ जाती थी, आंखों में से आंसू जारी हो जाते थे। मैंने अच्छी अच्छी घरों की फैमिली की औरतों को देखा कि वो बेचारी अपना चेहरा छुपाते हुए, अपने दामन को समेटते हुए अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाती थी, और उनको देख के रोना आ जाता था कि बेचारी कितने मजबूर है, लेकिन हम अपने घरों के अंदर मस्त थे। लेकिन अल्लाह ने उनका इंतजाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक कोविड के अंदर अल्लाह ने अपने फजल से अलखिदमा ग्रुप के जरिए से रोजाना 40 से 50 किलो खाने का इंतजाम करवाया,
अल्हम्दुलिल्लाह ने उनको पूरी जरूरतों को पूरा फरमाया। उसके बाद हमने कोशिश किया, आगे देखा कोविड के अंदर कि थोड़े से इलाज के वास्ते, अब नहीं मालूम मेडिकल का क्या मसला था, नहीं मालूम हुकूमत का क्या मसला था, जिसके वजह से ऐसे हालात बन गए थे कि भाई भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, बाप बेटे को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। गरीब तो तस्वूर नहीं कर सकता था कि मैं एक दागे का इलाज कर सकूं। हमने कई लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है कि हुआ ये कि दवाखाने के अंदर कोई इंतजाम नहीं था और उनके पास ऐसा इलाज के पहले पैसे नहीं थे कि वो कोई किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराए जहाँ पे कोविड का पूरा इलाज होता। वो बेचारों को जगह नहीं मिली और घर के अंदर उनका इंतकाल हो गया। अरे ऐसे कितने लोग परेशान थे। तो हमने इस बात को बैठ के कोशिश किए कि आपस में बैठ के भाई इसको क्या किया जाए। अल्लाह जजाए खैर दे, हमारे जो अहम अल खिदमत ग्रुप के जो सरपरस्त है अजहर इमान साहब है, मास्टर वलीदीन साहब है, हमने इनके सामने बात रखी कि सर ऐसे हालात है, लोग परेशान है, क्या किया जाए। तो हमारे पास दुकान थी, हमने बोले देखो अपने पास पूरी ग्लास लगी हुई है, पूरे कैबिन बने हुए हैं, अपने काम करेंगे, यहाँ पे छोटा मोटा दवाखाना शुरू कर देंगे। और अजहर इमाम साहब बोले कि मेरा हॉस्टल है तो मैं एक काम करता, मेरे हॉस्टल में 10 बेड लाके डाल देता। फिर हमने बोले भाई डॉक्टर की अगर टीम हम रखेंगे तो पैसों का इंतजाम कैसा होगा। कि आप यार इसको जहन में रखे कि हम शुरू दिन से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। असल ये होता है कि ट्रस्ट के काम तो बहुत होते और लोग उसमें ताउन भी करते, लेकिन पैसे का मामला ऐसा है कि उसके ऊपर उंगलियां बहुत जल्दी उठ जाती। इसलिए हम इस बात से डरते थे कि भाई पैसों के मामले में कोई हम पर उंगली ना उठाए और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम तो अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह। तो हमने सोचा क्या करना, तो हमने आपस में 10 लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि भाई एक शक्ल मेरे सामने आई कि हम 10 लोग मिलकर 10-10 मेंबर बना लेंगे और ये 10 मेंबर अपने साथ मिलाकर हम हर महीने इनसे 1000 रुपए जमा करेंगे। अगर हम लोगों ने हर 10 मेंबरों से ऐसे लोगों को लेना है जिनको अपने ऊपर एतमाद है और हमको उनके ऊपर एतमाद है, वो ये सोचेंगे अगर हमने इनको पैसे, इसका पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आपस में मशवरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 100 लोग नहीं, हमको 130 मेंबर मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से पूरे मेंबर हमारे साथ है। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ताउन करते और उस ताउन के जरिए से हमारा कलेक्शन होता। हमने ये सोचे थे कम से कम अगर 50 पेशेंट का भी इंतजाम हो गया तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम शरई पर्दे के साथ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर ककेड के अंदर अल-खिदमत क्लिनिक को देख सकते कि हमने हर बेड के ऊपर पर्दा लगाया हुआ है, हर लेडीज पेशेंट के लिए हमने लेडीज डॉक्टर का इंतजाम किया और हर जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर का इंतजाम किया और हर लेडीज स्टाफ के लिए हमने कोशिश की है कि वो लेडीज पेशेंट को भी हाथ लगाए और कोई भी ऐसा कि जो मर्द है उसको कोई लेडीज पेशेंट हाथ ना लगाए। इस बात की कोशिश करते हुए हमने इस बात की कोई फिक्र की है कि हमारे पास उन गरीबों का इलाज हो जाए जिनको लोग अपने दरवाजे से धुतकारते हैं और ऐसे सरकारी दवाखानों में जाकर ये लोग जलील होते हैं। आप जाकर देखो गरीबों का क्या हाल है। बड़े आदमी को, पैसे वाले को तो कोई भी मैडम सर बोल के बिठा के बुला लेता और उनका इंतजाम कर देता, लेकिन गरीब को कोई अपने दर पर नहीं बुलाता। ये बात दिल में लगती थी कि गरीबों के साथ ऐसा होता। तो हमने अपने स्टाफ के साथ बैठ के ये मशवरा किया और बाजब्त पूरे स्टाफ को इस बात से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं इस दवाखाने के जरिए से कि गरीब को इज्जत मिले और वो हमारे पास आने के बाद उसको ऐसा नहीं लगना कि हम उसके ऊपर एहसान करें। हम इस बात की कोशिश करना कि वो हमारे ऊपर एहसान करें कि हमको उसकी खिदमत करना है। नहीं मालूम किसकी दुआ हमको लग जाएगी, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे आखिर बना देना अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन हमने खास तौर से पूरे स्टाफ को और आज भी कल भी हमने डॉक्टर से मीटिंग की, हमने खास तौर से उनके सामने एक बात रखी, कहा कि हमारे दवाखाने में हम इस बात की कोशिश करना चाहते हैं। देखो मेडिकल और कॉलेज का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, दूसरे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमारे दवाखाने के अंदर एक गरीब माँ बहनों को इज्जत के साथ उसका इलाज किया है। हम इसलिए दवाखाना चला रहे, वरना हमारा दवाखाना चलाने का कोई मकसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बता दे कि इस दवाखाने के कामों के अंदर हमारे सारे मेंबर सिर्फ अपनी आखिरत को बनाने के लिए अल-खिदमत ग्रुप चला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, सबके पास है, किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी भी एक हमारे किसी भी एक मेंबर का भी 1% भी किसी चीज में उसका दखल नहीं। कई लोग इस जहनों में था कि अल-खिदमत ग्रुप वाले इसके अंदर अपने कुछ शेयर रख के काम चलाते होंगे, मेरे कान पे ये बात आई। हमने खास तौर से उस बात की कोशिश किया कि आप हजरात के सामने ये बात रखे कि हमारे किसी भी मेंबर का 1% भी शेयर नहीं है। हमने ये काम अपनी आखिरत को बनाने के लिए किया, हमने अपना काम आखिरत को बिगाड़ने के लिए नहीं किया। हमने चाहते कि 1% का भी हमारे ऊपर कल कयामत में अल्लाह के पास धब्बा लगे।
हम उस कोशिश की तहत कर रहे, अल्लाह रास्ते खोल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से 100 पेशेंट हमको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टारगेट ये है कि मिनिमम रोजाना 200 से 250 पेशेंट हमारे दवाखाने में अल्लाह उनको सेहत के साथ भेजा, और मिनिमम 350 से 400 पेशेंट रोजाना हमारे दवाखाने में से जाए। अल्लाह जजाए खैर दे हमारे डॉक्टर्स की टीम को और हमारे स्टाफ को, दिन रात मेहनत करके। इनका भी बड़ा ताउन रहा, 2.5 साल से यही हमारा स्टाफ है, उसमें से कोई हमारा स्टाफ तब्दील नहीं हुआ सिवाय एक दो लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना चला, उसके साथ साथ हमने रमजान के दूसरे कोविड के अंदर, मामला ये था कि दूसरे कोविड के अंदर भी मसले थे, मार्केट बंद था और लोगों के पास कपड़ों का इंतजाम नहीं था, पुराने कपड़े हमको देना नहीं थे, तो हमने सोचे भाई क्या करना। तो मैंने सोचा कि भाई अपने काम करेंगे कि अपनी मस्जिद के अतराफ में जितने भी ईमान वाले रहते, अपन देखेंगे इस बात की कोशिश करेंगे कि जिनके बच्चों को ईद के कपड़े नहीं मिले लेकिन हम उनको नए कपड़े देंगे। तो मैंने सिर्फ सोचा दिल के अंदर, मैंने किसी को तस्करा भी नहीं किया इस बात। मैं बताना चाह रहा आपको कि हम कुछ नहीं करते, हमसे कुछ नहीं होता, हमारी कोई औकात नहीं है, अल्लाह अपने बंदों का इंतजाम बेहतर करना चाहता है। 2 दिन के बाद एक बंदे का मेरे को फोन आया, उन्होंने मेरे को फोन किया, अदनान में बोले, माना जी कहा कि आप खिदमत से है, मैंने हाँ, बोले कहा मैं कुछ कपड़े देना चाहता हूँ, नए मेरे पास दुकान में थे, किसी ने आपका मेरे को एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया, कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करना है, मेरी दुकान है, आप कपड़े लेने के लिए आए। मैंने 2 दिन के बाद अपने साथी को लिया, हमारे आमिर को, हम दोनों गाड़ी लेके निकले, मैंने चलो एक दो गट्टे होंगे उनसे जाके कपड़े ले लेंगे, उनकी जब दुकान पे हमको अदनान गाड़ी लेकर आए आप, मैंने हाँ गाड़ी लेकर आया, ताक कौन सी बड़ी है, मैंने फोर व्हीलर लेकर आया हूँ, 2 गट्टे उसमें आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, मैं जिस दुकान में खड़ा हुआ हूँ ये दुकान पूरी की पूरी मेरे को लोगों को दे देना है, और वो दुकान होलसेल की थी और उस दुकान का तकरीबन माल 25 से 30 लाख रुपए का। मैं तो दंग रह गया कि मेरी सोच तो ये थी कि अपनी मस्जिद के अतराफ करो, लेकिन अल्लाह की सोच बड़ी थी, अल्लाह बड़े है, अल्लाह का काम बड़ा है, अल्लाह तो पूरे बंदों की फिक्र करे, लेकिन हमारे पास वक्त कम था। अल्लाह उनको जजाए खैर दे, उन देने वालों को, उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन के अंदर दुकान डालने का इरादा किया था, लेकिन लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन लगा हुआ है, होस्टल की मेरी पूरी दुकान है, अब मैं इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, मेरे को ज़कात निकालना थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े की पूरी दुकान ही दे दूं। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का कपड़ा था और वक्त हमारे पास कम था, हमने सोचा अब क्या करना। अब हमको ये भी करना था कि जिसको हम कुछ दे रहे, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात की भी कोशिश की है कि जिन लोगों को हमने ताउन किए उन लोगों के चेहरे को कभी हमने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दी, हमने कभी स्टेज पे बुला के उनको लोगों के सामने नुमाइश नहीं दी कि हम इनका ताउन कर। आप देखिए जितने भी अलखिदमा की वीडियो मिलेंगे आपको किसी का चेहरा नजर नहीं आएंगे, और खासतौर से हमने इस बात की कोशिश की कि अलखिदमा ग्रुप के किसी की भी फोटो नहीं आएंगे, किसी का भी नाम बैनर के ऊपर नहीं आएगा, किसी का नाम भी इसके अखबार के अंदर नहीं आएगा, किसी का नाम भी पॉम्पलेट के अंदर नहीं आएगा, ताकि हमको काम तो सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, और जब अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह की वजह से हमारे साथ होंगे। तो हमने ये किया कि भाई अब ये लोगों को बांटना है, अब उनको यहाँ बुलाकर भी नहीं देना है, करना क्या। तो अल्लाह जजाए खैर दे इनके अलाउंस के फरजाद खान साहब को, कहा कि उन कपड़ों को रखने के लिए उन्होंने हमारी जगह का इंतजाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कपड़े हमने रखे और पूरे साल के एतबार से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बच्चों के पूरे कपड़े थे, पूरे तरतीब से लगाए। और कोविड के जमाने में नारे गांव है, मिश्रवाड़ी है, बड़े गांव है, जटवाड़ा है, हिरानगर चिकल थाना है, यहाँ की फरिश्ते हमारे पास थी, कैसे कितने गरीब मर्द है, वहाँ के माशाल्लाह नौजवान भी हमारे साथ थे, वो लोग भी इसमें काम कर रहे थे। तो हमने ये बात की कोशिश की, हमने उनसे लिस्ट मंगाई, हमने उनको ये बोले कि भाई आपको मालूम है किन लोगों को आपने खाने का दिया था, आप एक काम करो उन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर हमको दे दो, और उनके घर के अंदर लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की, इतना लिख के हमको तरतीबा सीरियल नंबर डाला के दे। हमने उनसे लिस्ट जमा की, तकरीबन 3-4 दिन हमको लिस्ट जमा करने में लगे, रमजान को सिर्फ 7 दिन बाकी, अब तकरीबन 25-30 लाख रुपए कपड़ा बांटना है, और जो कपड़ा जो था एक छोटा हाथी 10 गाड़ियां भर के हमने कपड़ा लेकर आया उनके पास, वो 10 गाड़ियां भर के कपड़ा था, अब बांटना है। तो हमने अपने नौजवानों को ये बोले खास तौर से, भाई देखो ये कपड़ा तो हमको देना है लेकिन बाजू वाले को पता नहीं चलना कि हमने उनके घर के ऊपर कपड़ा दिया, क्योंकि हालात ऐसे थे वो कपड़ा लेते लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाते थे। तब क्या किया जाए, हमने मशवरा किया कि भाई एक काम करेंगे, रात को 2 से 3 बजे के दरमियान में हम लोग घर पे कपड़ा ले आके देंगे, और एक काम करेंगे उनकी तस्वीर नहीं आने देंगे, आप किसी भी ये क्या करना उनके दरवाजे के ऊपर उनको पहले से फोन करके बोल देना कि भाई हम आपको कपड़ा देने के लिए आ रहे हैं, आप तैयार हैं। रात को 2 बजे 3 बजे हमारे पूरे नौजवानों ने, हमारे पूरे बच्चों ने मिलकर वो पूरे गट्टे बनाए और उनके सीरियल नंबर डाले, उनके ऊपर नाम डाले और उनके दरवाजों पर ले जाके खटका मार के दिया। यहाँ तक कि उसके अंदर ये हुआ कि हमारे बच्चे रोजे की हालत में 7 दिन मुस्तकिल मेहनत करने की वजह से अल्लाह उनको बेहतरीन जजाए कर दे कि उनके गले से खून निकलना शुरू हो गया।
लेकिन 7 दिन के अंदर पूरे सलम एरिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजल से कपड़े पहुंचाए। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह बेहतर करना जानते, हमसे कुछ नहीं होगा, हमने नहीं करा, हमने सिर्फ सोचे भाई ऐसा करना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने बात रखने की वजह कि हमारी एक सोच रहती है कि कुछ होना चाहिए, लेकिन जब अल्लाह की जात पे यकीन करते हुए जब खड़े हो जाते हैं अल्लाह रास्ते खोल देता है। हमारा गुमान भी नहीं था अल्लाह वहां से ऐसे फैसले करता, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इंतजाम हुआ। और उसके बाद आप यकीन मानेंगे अल्लाह बेहतर जानता कि ये होने के बाद 28 शब थी। उसके बाद हमारे एक मेंबर है बुजुर्ग माशाल्लाह अभी भी उस्मानिया मस्जिद में रहते हो, और उनको फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया और कहा कि अल्लाह आप लोगों के काम को कबूल फरमाए, और अल्लाह ने वसीयत की है कि अपने हद तक इसको नस्ल तक इस काम को। उस दिन से हमने इस काम को अल्लाह के भरोसे पे और ज्यादा करना शुरू किया। फिर हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट मैटरनिटी हॉस्पिटल जो आप लोगों के सामने अल्लाह ने अपने फजल से खड़ा किया, उसकी भी एक वजह थी कि 15 साल पहले अपने सरकारी दवाखाने के अंदर हमारी एक बहन जो तकलीफ में थी, उसके पास पैसे नहीं थे और वहां गई, वहां जाने के बाद उसको जब तकलीफ हुई तो कुछ ऐसे नासमझ डॉक्टर ने उसके साथ ऐसे गैर जरूरी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको इस स्टेज पर करने के बयान भी नहीं कर सकता। वो बात का इशू बना, वो बात मार्केट में आई, मेरे को बात कानों पे पड़ी। मैंने ये सोचा कि आज उस बेचारे के साथ ये मामला हुआ, अगर वही मामला मेरे घर की औरत के साथ होता तो मैं क्या करता, तो उस औरत के साथ हुआ तो वो औरत कौन है, क्या वो हमारी बहन नहीं है, क्या जो गरीब है तो उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, क्या हमारे सोचने से उसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला एक ये था कि हमको पैसा तो किसी से लेना नहीं है, काम तो करना है, लेकिन हालात वैसे नहीं थे। इसको 15 साल लगे इस काम को करने के, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से यह अलखिदमा का क्लिनिक शुरू हुआ, उसमें यह काम हुआ। आप देखिए 6 महीने पहले एक मामला पेश आया बीड़ जिले के अंबर जोगी के अंदर, एक हमारी बहन को तकलीफ हो रही थी, वो बेचारी डिलीवरी के लिए गई, कुछ ना समझ लोगों ने डॉक्टर ने उसके मुंह पर मारे और उसको ये बोले, वो तकलीफ से अल्लाह अल्लाह बोल रही थी, उसको बोले कि तेरा अल्लाह बचाने को नहीं, हम तेरे को बचाए, उसके स्ट्रेचर को लात मारी, वो वीडियो पूरे मार्केट में चली थी। हमको ये बात दिल में लगती थी क्योंकि हमारी गरीब माँ बहनों की इज्जत व आबरू, आज देखो आप जाके नौजवान बच्चे वहां रहते, ये बेचारी पैसों की वजह से किसी इलाज के अंदर, आप इस बात को गौर करना। हम आपको ये बताना चाहते कि मैटरनिटी हॉस्पिटल हमारी डालने की वजह क्या है। मेरे को कई लोगों ने बोले मैटरनिटी का दिमाग पर लौट रही है, बहुत बड़ा मसला है, इतना आसान नहीं है। बोले हमको मालूम है, लेकिन हमको इसलिए नहीं करना है, हमको इसलिए करना है कि ऐसे कितने लोग हमारे ऐसे गरीब लोग हैं, कैसी हमारी माँ बहने हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। आज हॉस्पिटल के अंदर क्राउड ज्यादा होने की वजह से आज वो बिचारी आज अपनी इज्जत और आबरू का सौदा कर रहा है। आप जाकर देखो वहां पे क्या हुआ। आपके अल्फाज बहुत गलत लग रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा मसला है कि किसी इलाज के अंदर उसको इज्जत के ऊपर बात नहीं आती, लेकिन मैटरनिटी के अंदर उसकी इज्जत के ऊपर बात आती है। लेकिन वो बेचारे हालात की वजह से कितने ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसों की वजह से अपने बच्चों को सरकारी दवाखाने में लेकर जाते हैं। तो हमने ये सोचे कि भाई क्यों ना कोशिश की जाए। हमने जगह को इंतखाब किया, 2 साल हमको जगह देखने में लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक सेटअप हमारे सामने खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता ये जो बिल्डिंग तैयार हुई इसको तैयार करने में हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह 2 डॉक्टरों की थी, अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए, क्योंकि वो खुद गायनिक थे, उनके शौहर ENT थे, उन्होंने सोचा कि हम भी गायनिक हॉस्पिटल करेंगे, वो सऊदी के अंदर है तो वो वहां से रिटायर होकर यहाँ आना चाहते थे, यहाँ अपना हॉस्पिटल डालना चाहते थे, खिदमत करना चाहते, लेकिन ऐसा होगा कि अल्लाह ने उनकी परमिशन करा दी, उनकी परमिशन हो गई और उन्होंने वहीं रुक गए, उन्होंने फिर बिल्डिंग को किराए पे देने का इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुलरहीम साहब अल्लाह जजाए खैर दे, हमारे सुभान भाई, ये लोगों ने हमको बिल्डिंग बताए, तो हमको एक लाइट भी एक पंखा भी इसके अंदर लगाना नहीं पड़ा। मैं आपको बताया कि अल्लाह ने पूरा सेटअप रेडी दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा मकसद आपको एक बात बतलाना है कि अल्लाह कैसे इंतजाम करते, हमारी सोच होना, हमारी नीयत साफ होना, अल्लाह के लिए करने की होना, अल्लाह का इंतजाम करना। फिर हमारे पास कुछ फंड जमा था, अब हमने ये सोचा मैटरनिटी हॉस्पिटल डालना है तो फिर तकरीबन 40 से 50 लाख का बजट है, कैसे करेंगे, कहां से होगा, लेकिन हमने अल्लाह के भरोसे पे खत्म होगा, हमने बोले शुरू तो करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। हमारे मेंबरों के सामने रखे कि भाई ऐसा ऐसा मामला है क्या करना, लेकिन किसी वजह से वो बेचारे हमको ऑलरेडी टाउन कर रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने हमारा टाउन किया। फिर सवाल ये उठा कि आप लोगों से जाके मांगना, लोगों से लेना, लेना तो नहीं है, क्या किया जाए। तो हमारे
दुआ फरमाए कि अल्लाह मौत तक भी अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। और आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि हम किसी से, आप लोगों को वाजे कर देना चाहते हैं कि अल खिदमा ग्रुप किसी से पैसा नहीं लेता सिवाय हमारे मेंबर के। अब इस दवाखाने के लिए हमने जिन सियासी लोगों को बुलाया, जिन उलमा इकराम को बुलाया, हमारा एक मकसद है। बहुत से लोगों ने बोले अदनान भाई सियासी लोगों को बुला लिया तुमने इसके अंदर, मैंने नहीं, एक मकसद है बुलाने, हमको उनके सामने दरख्वास्त करनी है, उलमा इकराम के सामने दरख्वास्त करनी है। और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे दीनी जमातों के लोग हो, चाहे सियासी जमातों के लोग है, लेकिन जहां भी गरीबों का उम्मत का मसला आया हम सब एक हैं। और हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी छोटी सोच को 15 साल लगे, अल्लाह ने आपको जितने भी सियासी हमारे रहनुमा है अल्लाह ने उनको असर रसूख दिया, अल्लाह ने उनको मुकाम अता फरमाया है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल खिदमा ग्रुप का अल्लाह ने खड़ा कर दिया, हम उनसे कोई मदद नहीं चाहते। हम उन लोगों के बारे में आपसे चाहते हैं, ऐसे कितने एनजीओ है और ऐसे कितने लोग हैं ताकि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए मदद नहीं होती, उनके लिए रास्ते खुलते नहीं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपको अल्लाह ने जब ये मुकाम दिया आप इसके जरिए से इन लोगों की मदद फरमाएं और इनका ताउन फरमाएं और इनके कामों इनकी मदद करें, करिए सब इंशाल्लाह। और आप अल्लाह की दुआ कीजिए, अगर हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो उसके लिए हमें माफ फरमाइए, दुआ करवाए, अल्लाह ताला हम सबको आखिर दम तक खिलाफ सब करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। और वो तीनों एम्बुलेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में दुआ फाउंडेशन के जरिए चलाए जा रहे हैं। अलखिदमा ग्रुप, अब चूंकि आपने एक टारगेट रखा है, अगर आप इजाजत दें अदनान भाई और अलखिदमा की टीम, तो उसमें से एक एम्बुलेंस मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके अलखिदमा ग्रुप को उसमें हम देते हैं, ताकि जिस गरीब पेशेंटों के लिए आप ये काम कर रहे हैं उसी मकसद से हमने ये एम्बुलेंस लिया था। एक रुपया भी हम किसी से चार्ज नहीं करते हैं, किसी का भी फोन आता है। और जैसा आपने ये कहा है कि दरवाजे सबके लिए हैं, शुरुआत के अंदर लोगों को लगता था ये तो MIM का MP है, दुआ फाउंडेशन इसका नाम है, क्या किसी हमारे हिंदू भाई के लिए ये एम्बुलेंस भेजेगा। मुझे आज खुशी है इस बात की कि आज पूरे जिले के अंदर हमारे हिंदू भाई को भी अगर जरूरत रहती है तो वो एक फोन करता है और हमारी एम्बुलेंस उसके दरवाजे के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि यही काम के जरिए हम अपना पैगाम उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अदनान भाई और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल खिदमा ग्रुप जिस मकसद, जिस नेक इरादे के साथ आप लोगों ने इसको शुरू किया है, अल्लाह इसमें बरकत अदा करे और आपके जो नेक मकसद है उसमें कामयाबी अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।